Students, next important sums kare dekhiye. If g is the geometric mean between a and b, so that 1 upon g plus a plus 1 upon g plus b equal to 1 upon g, ye prove karna bahut simple sum hai. Sirf क्या करना है, क्या गिवन है, क्या करना है आप देख लीजिए. तो जी बोल दिया है कि एरिथमेटिक जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी. देखिए सिंस जी इज द जीएम बिटवीन ए एंड बी. तो देखिए ए एंड बी के बीच में जीएम क्या होता है, ए रूट अंडर ए बी. तो देयरफॉर जी का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर ए बी. तो जी का वैल्यू आप लेफ्ट साइड में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो कैलकुलेशन आप खुद करिए और बोर्ड से मैच कर लीजिए. तो 1 अपन जी प्लस ए प्लस 1 अपन जी प्लस बी, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है. जी का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दे, तो 1 अपन रूट ए बी प्लस ए के जगह पर आप रूट ए इंटू रूट ए लिख लीजिए, ये कैलकुलेशन में सुविधा होगा. ओके, जी के जगह पर रूट अंडर ए बी और बी के जगह पर रूट बी इंटू रूट बी लिख लीजिए. ओके, तो आप देखिए रूट अंडर ए बी को क्या लिख सकते, रूट ए इंटू रूट बी. तो नेक्स्ट लाइन रूट अंडर ए बी को लिख सकते हो रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी. रूट अंडर ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे रूट बी बचेगा प्लस यहाँ पे रूट ए बचेगा, प्लस के बदले प्लस. यहाँ पे देखिए रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, तो रूट अंडर बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी बचेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, वन अपन रूट ए प्लस रूट बी. ये तो दोनों में ही है, देखिए यहाँ पे भी वन अपन रूट ए प्लस रूट बी, यहाँ पे भी है वन अपन रूट ए प्लस रूट बी, उसको भूल जाइए. तो वन अपन रूट ए बचेगा प्लस वन अपन रूट बी बचेगा. ओके, तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, बस आंसर आपका, इसको आप एलसीएम ले लीजिए. तो नेक्स्ट लाइन इज हेयर वन अपन रूट ए प्लस रूट बी इंटू एलसीएम लेंगे तो रूट बी प्लस रूट ए, रूट बी प्लस रूट ए ओवर रूट ए इंटू रूट बी. देखिए आप यहाँ ब्रैकेट दे सकते हो, नहीं भी दे सकते क्योंकि यहाँ पे डिवाइड दे दिया और यहाँ पे इनटू लिख दिया. तो ये दिस एंड दिस कैंसिल, तो वन अपन रूट ए इंटू रूट बी. वन अपन रूट ए इंटू रूट बी मतलब रूट ए बी, और जी का वैल्यू क्या था, रूट अंडर ए बी. तो इसके जगह पे आप जी लिख सकते हो, तो वन अपन जी इक्वल टू आर एच एस. वेरी सिंपल सम्स प्रूव्ड. सिर्फ एक ही ट्रिक है, ए के जगह पे आप रूट ए इंटू रूट ए लिखना है, बी के जगह पे रूट बी इंटू रूट बी लिखना है, यही ट्रिक है और कुछ नहीं इस सम्स में. तो नेक्स्ट सम्स करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, डीटो सेम प्रॉब्लम है. इफ जी इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, देन सो दैट. देखिए लास्ट सम्स में यहाँ पे सिर्फ प्लस था, हमने कर दिया था यहाँ पे. ओके, सिर्फ इसी सम्स में क्या है, यहाँ पे माइनस है. तो जितना आप प्लस देखोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में सब माइनस देखे हो जाएगा. तो यहाँ पे रूट अंडर ए इंटू माइनस रूट अंडर बी इस टाइप का कुछ आएगा, तो कैंसिल होकर आप, ये आपका होमवर्क है, आप करिए और हमको कमेंट करके बताइए कि आपका हुआ कि नहीं तो हम ये सॉल्यूशन दे देंगे. सिर्फ प्लस दे के जैसे किया था, वो जो रूट ए के आप रूट ए इंटू रूट ए के जगह पे लिखना है और बी के जगह पे रूट बी इंटू रूट बी लिखना है, यही तो आपका टारगेट है, आप कर लीजिए. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम्स करते हैं. सो स्टूडेंट्स, और एक इंपॉर्टेंट सम्स देखते, देखिए इफ ए एंड जी बी एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स. ओके, तो दो पॉजिटिव नंबर के बीच में एम क्या है, कैपिटल ए, एंड जी एम क्या है, कैपिटल जी. तो हम जानते नहीं है क्या पॉजिटिव नंबर है, तो मान लेंगे, जो जानते नहीं है उसको मानते हैं. तो लेट ए एंड बी वी द टू पॉजिटिव नंबर्स, तो हमने मान लिया है यहाँ पे, देखिए. ओके, तो कैपिटल ए क्या था, एरिथमेटिक मीन. तो ए और बी के बीच में एरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, लास्ट वीडियो में हम बताया. और जियोमेट्रिक मीन, ए और बी के बीच में जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट अंडर ए बी. ओके, तो देखिए आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि प्रूव दैट द नंबर्स आर, मतलब जो हमने मान लिया है. देखिए पॉजिटिव नंबर्स क्या क्या माने, क्या क्या माने थे, ए एंड बी. तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या आएगा, ई आएगा. ओके स्टूडेंट्स, ई आएगा, आपको ये प्रूव करना है. तो देखिए हम आपको बताया कि जियोमेट्रिक मीन या एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन हमेशा जीपी में रहता है, एरिथमेटिक मीन हमेशा एपी में रहता है. तो ए और बी के बीच में एरिथमेटिक मीन क्या है, ए. तो ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन एपी, क्योंकि मीन हमेशा बीच में रहता है. तो कैपिटल ए इज द मीन बिटवीन ए एंड बी. तो ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन एपी, एपी में होता है तो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म वही होता है. देखिए यहाँ पे कैपिटल टू ए क्या मिला, ए प्लस बी, इसको आप नंबर वन कॉल करिए. ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जियोमेट्रिक मीन भी जीपी में रहता है. तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो नंबर इंसर्ट करेंगे वो सारे नंबर्स क्या होता है, जीपी में रहता है. तो
ए और बी के बीच में जी इंसर्ट करेंगे तो ए कॉमा जी कॉमा बी आर इन जी पी, क्योंकि बोल दिया है जी इज द जियोमेट्रिक मीन, जी इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ए कॉमा जी कॉमा बी आर इन जी पी होगा, तो जी पी में होता है तो क्या होता है, कॉमन रेशियो इक्वल होता है, तो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म जो आएगा, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म वही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो नंबर वन से बी का वैल्यू पुट करिए, नंबर वन से बी का वैल्यू क्या आएगा, ए को आप लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो क्या आएगा 2a माइनस स्मॉल a, तो बी का वैल्यू आएगा कैपिटल 2a माइनस स्मॉल a, ये बी के जगह पे, ये वाला बी के जगह पे आप पुट कर दीजिए, ओके तो मल्टीप्लाई करिए a इंटू टू ए करेंगे तो 2a माइनस a इंटू ए इज ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस ए स्क्वायर, और 2a कैपिटल a को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस 2a स्मॉल ए, ओके और प्लस जी स्क्वायर जो है यहाँ पे प्लस है तो प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ओके तो देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए, ए का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, देखिए ए स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस टू इन टू कोएफिशिएंट ऑफ ए इज माइनस टू ए एंड प्लस जी स्क्वायर, तो श्रीधराचार्य या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करिए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, तो कैपिटल यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कैपिटल ए का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए होगा, ओके समझ में आया, यही तो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे बी क्या है, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ ए, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ ए इज माइनस टू ए, तो बी का वैल्यू पुट करिए, और ए क्या है, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, ये ए डैश मान लीजिए क्योंकि ए तो ऑलरेडी है इसी में, तो ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज वन, एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म विद जी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो देखिए टू बाई टू क्या होता है वन हो जाएगा, और फोर ये देखिए यहाँ पे रूट के अंदर फोर, रूट के अंदर फोर जो है उसको बाहर लेंगे तो रूट अंडर फोर क्या होता है टू होता है, टू बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू यहाँ पे टू और ये टू कैंसिल होकर ये मिलेगा, तो ए का वैल्यू हमको मिल चुका है, ओके स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट देखिए बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स ए का वैल्यू देखिए एक प्लस वैल्यू आया, पॉजिटिव वैल्यू आया और एक नेगेटिव वैल्यू आया, हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं क्योंकि प्रूव करना है पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए तो पॉजिटिव ए का वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ पे बोल दिया है, देखिए आपको बोले प्रूफ दैट द नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके एक नंबर है पॉजिटिव, माइनस को भूल जाएंगे तो ए प्लस रूट अंडर दिस, एंड प्लस को भूल जाएंगे तो ए माइनस रूट अंडर दिस, तो ए को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो ए का वैल्यू देखिए वन नंबर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये वन नंबर इक्वेशन क्या है, टू कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पे बी कितना होगा, टू कैपिटल ए माइनस ए हो जाएगा, तो ये जो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए के जगह पे लिख दिए, तो टू ए के बदले टू ए, माइनस के बदले माइनस, ए के जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर दिए, ओके ब्रैकेट ओपन करिए, तो यहाँ पे माइनस ए और माइनस प्लस माइनस, तो रूट अंडर दिस, तो टू ए माइनस ए इज ए, तो बी का वैल्यू आया दिस, ए का वैल्यू मिला था हमको ये पॉजिटिव लेंगे तो, और बी का वैल्यू ये है देयरफॉर द नंबर्स आर, आप इसको आप लिख सकते हो, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ओके यहाँ पे इसको भी लिख सकते हो a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, दैट इज ए माइनस ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, देखिए a प्लस रूट अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, और यहाँ पे क्या है a माइनस रूट अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, तो ये कॉम्बाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यूज, ये हो जाएगा a प्लस माइनस, प्लस लेंगे तो a का वैल्यू और माइनस लेंगे तो b का वैल्यू, तो कंबाइन करेंगे तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस सम्स, ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम्स ये एनसीईआरटी का सम्स था, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम्स करते हैं, आप अगर चाहते तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर सकते हैं इसी सम में, a इक्वल टू ए प्लस बी वाई टू से आप लिख सकते हो टू ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो सिंस ए इज द अरिथमेटिक बिटवीन ए एंड बी, ये आपका ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप अगर लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, और एक रिलेशन क्या है जी इक्वल टू रूट अंडर ए बी, तो जी इक्वल टू रूट अंडर ए बी, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो आपका जी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, तो सिंस जी इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन बोल के ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये भी लिखने का ज़रूरत नहीं था, ये सारे स्टेप्स अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ स्टेप्स कम हो जाएगा और कुछ नहीं, रिमेनिंग जो स्टेप्स है वो तो हमने बता ही दिया,
कैसे ए एंड बी का वैल्यू आप फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स आप अगर सीक्वेंस सीरीज का हर एक टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में क्लियर करना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन में जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट पे जाके फोल्डर में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।